अच्छा मतलब खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, जितना मेहनत किया था उतना रिजल्ट मिला क्या बस। शेड्यूल रहता था आपका? मेरा शेड्यूल, मैं एलन में स्टूडेंट थी तो मेरी क्लास चलती थी सुबह मतलब हमारी सुबह 7 से 1 o'clock तक क्लास रहती थी। उसके बाद 1 o'clock मतलब 2 o'clock तक मैं पढ़ने बैठ जाती थी और मैं 10 बजे तक पढ़ती थी। फिर मेरा 7 घंटे सोने का रहता था, फिर मैं सुबह उठ के 1 घंटा और पढ़ती थी, तो मेरा ऐसे रहता था। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को और मेरे टीचर्स को। खुशी के इन पलों के दौरान सी न्यूज से हुई बातचीत के दौरान शांभवी ने कुछ सक्सेस मंत्र भी साझा किए। पढ़ाई में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, रिलैक्स रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए पढ़ाई को। और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, वो एक माइंड गेम होता है कि बच्चे मान लेते हैं कि ये टफ है, पर कोई टफ नहीं होता। अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, फिर वो जब समझ आने लगते हैं तो उसे इन्जॉयमेंट होने लगता है उसमें, फिर वो अच्छा लगता है सब्जेक्ट। और हर चीज़ पॉसिबल है, मतलब फिज़िक्स मोस्टली सब टफ मानते हैं, बट होती है, ईजी होती है, बस पढ़ना चाहिए उसे अच्छे से। आगे क्या बनने के क्या एम है आपका? अभी MBBS के बाद मैं मतलब ऐसी डॉक्टर नहीं बनना चाहती कि बस पैसे कमाने हैं, सर्विस करना चाहती हूँ। और जैसे काफ़ी चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, जैसे MRI वगैरह में, तो उसमें मैं चाहूँगी कि थोड़ा प्राइस लो हो किसी भी तरह, तो उस पर मैं वर्क करना चाहूँगी। और फिर मैं सर्जरी में भी मतलब मेरा सर्जरी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसमें अपनी बेटी की सफलता पर उनके परिजनों को भी नाज है। बेटी और बेटे के बीच कभी फर्क न मानने वाले उनके माता पिता का कहना है कि वे आगे इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।